हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर एक्सपायरी है तो क्या एक्सपायरी लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो आज से आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। SGX निफ्टी आप देख सकते हो 15,216 चल रहा है। हमारा जो निफ्टी है वो 15,145 के आसपास क्लोज हुआ था, यानी अप्रॉक्सीमेटली कल हम लोग गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। अभी फिलहाल SGX निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मॉर्निंग में ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आप देख सकते हो 5 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, 3 दिन से लगातार जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 15,200 एक अपसाइड रेंज था और 14,900 एक डाउनसाइड रेंज था। सो 14,900 से लेके 15,200 के बीच में हम लोग एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 3 दिनों से जिगजैग वोलेटिलिटी हमें इसी 300 पॉइंट के रेंज में ही देखने को मिल रही है। सो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कल ओपन कहाँ पर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेट से अभी एसजेक्स निफ्टी के हिसाब से यहाँ पर कहीं पे 216 के आसपास ओपन हो रहा है तो आपके लिए 15,100 और 15,150 का पुट सेल करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट का काम करेगा। क्लोजिंग प्राइस भी 15,140 के आसपास ही था, तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को। सो 15,100 और 15,150 का पुट, ये आपको सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर थोड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो, या 15,200 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो, ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक गैप रेजिस्टेंस है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 15,280 15,300 के आसपास जाकर निफ्टी अटक सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक गैप है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप है। सो ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज एक्सपायरी का लग रहा है वो लग रहा है 15,150 से लेके 15,300 के बीच में, ये 150 पॉइंट के रेंज के बीच में एक्सपायरी पॉसिबल है। अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर लेट से गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आपको पुट सेलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 15,150 का पुट में, और अगर लेट से सडनली कोई गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो 15,200 के कॉल में आपको सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। वैसे एसजेएक्स निफ्टी को देखकर लग रहा है कि हायर पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो सेकंड हाफ में रिकवरी हमें देखने को मिली उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें रिकवरी देखने को मिली है और काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिली है। शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा ट्रैप हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है और 15,200 से लेके 15,300 तक एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। ये 100 पॉइंट के रेंज में हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 3 दिनों से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कल थोड़ा ट्रेंडेड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा वन साइडेड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरा व्यू है, ऐसा मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी पॉसिबल है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो 35,500 से लेके 36,000, ये 500 पॉइंट की रेंज में ही लास्ट 3 दिन से जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। आज इसने कोशिश किया था 36,000 क्रॉस करके सस्टेन करने का, लेकिन वापस हमें एक सप्लाई देखने को मिला और वापस नीचे के लेवल से, जो कि एक बॉटम साइड रेंज है 35,500 35,600 के आसपास सपोर्ट लेकर, वापस सेकंड हाफ में हमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी भी कल गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 35,800 35,900 का पुट सेल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक रेंज बन जाता है, ये जो गैप है ये फिलअप हो चुका है, तो अब ये जो एरिया है 35,800 से लेके 36,000 के आसपास, ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्लोजिंग भी उसी के आसपास हुई है और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है 36,500-600 तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट गैप रेजिस्टेंस है। लास्ट 3-4 दिन में काफी गैप अप गैप डाउन हुए हैं, इसलिए गैप रेजिस्टेंस गैप सपोर्ट पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 36,500 36,600 तक भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होना। सो आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। मुझे ओवरऑल लगता है 36,000 से लेके 36,500, ये 500 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है और उसमें भी पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी ज्यादा चांसेस है, यानी ऊपर की तरफ एक्सपायरी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेंडेड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 3 दिन से काफी ज्यादा जिगजैग वोलेटिलिटी है, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव एक्सपायरी के लिए रेडी होना पड़ेगा। 15,250 15,300 के आसपास हम निफ्टी में एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 36,300 से लेके 36,500, ये 200 पॉइंट के रेंज में हम लोग बैंक निफ्टी एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आपको कल के दिन में थोड़ा सा पुट सेलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी भी आपको वही बता रहा है कि थोड़ा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई लेवल्स में चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्टॉक्स के मैं लाइव मार्केट में ट्रेड देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल में आपको कैश लेवल बेस्ड ट्रेड्स लाइव मार्केट में मिल जाएंगे। और डेली बेसिस पे हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।